अगली खबर दुर्ग से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। जी हां, तो कल रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के गढ़ से अमित शाह का यह चुनावी शंखनाद होगा। तो राजनीतिक रूप से दुर्ग संभाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभाग की 20 सीटों में से 18 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंच रहे हैं, दुर्ग के दौरे पर वो रहेंगे। और कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा, और कांग्रेस के गढ़ से ही अमित शाह ये चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो दुर्ग संभाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और केवल 2 सीटें हाल फिलहाल में देखा जाए तो बीजेपी के पास यहां पर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे मौके से स्टेट एडिटर आदित्य जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आदित्य जी, शायद यही बड़ी वजह है राजनीतिक रूप से देखा जाए दुर्ग संभाग की अगर हम बात करते तो केवल और केवल 2 सीट ही बीजेपी के पास है, और यही से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। कांग्रेस के दुर्ग को भेदने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। 12:40 के आसपास रायपुर पहुंचना है उनको, और लगभग 1:30 के आसपास यहां पर जयंती स्टेडियम है वहां वो पहुंचेंगे। उसके बाद पद्मश्री जो उषा बार्ले उनके घर जाएंगे, उनके घर थोड़ा वक्त बिताएंगे, उसके बाद फिर यही स्टेडियम है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है ये दुर्ग का। यहाँ पर बैठक व्यवस्था रखी गई है, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, और यहीं पर पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटा इसी कार्यक्रम स्थल में वो रहेंगे, और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया ऋतु, बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्ग में 20 विधानसभा सीटें जिसमें 18 पर सीधे सीधे कांग्रेस का कब्जा है, केवल 2 ही विधानसभा है जिसपे बीजेपी काबिज है। दूसरी दृष्टि से देखें तो 6 मंत्री इस संभाग से, मुख्यमंत्री इसी संभाग से आते हैं, तो पॉलिटिकल रूप से काफी साउंड है ये, और सीधी बात है कि सीएम का गढ़ है ये, और इस गढ़ को भेदने के लिए अमित शाह। मेरे साथ राजेश मूढ़त यहां पर मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं और व्यवस्था की जिम्मेदारी हर समय उनके पास रहती है, उनसे मैं बातचीत भी करूंगा। मूढ़त साहब, ये कल का जो कार्यक्रम है, ये माना जा रहा है कि दुर्ग जो है 20 विधानसभा सीटों का खेल है, 18 कांग्रेस के पास है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये बड़ा एक कार्यक्रम है जो अमित शाह जी का होने जा रहा है। देखिए अमित भाई शाह जी, कल केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर मां संपर्क अभियान के तहत दुर्ग जिले में आ रहे हैं, दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और केंद्र सरकार ने 9 साल में जो देश के अंदर विकास के अस्वर्णीय काम किए हैं उनके बारे में जनता को अवगत कराएंगे। पद्मश्री हमारी है, उनके यहाँ पर भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरोज पांडे जी का जन्मदिन है इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं, और कोई दूसरा कारण? अब मुख्यमंत्री जी को जितनी सोच है उतना ही तो बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी को सुर्खियों में रहने का बहुत शौक है। क्या संदेश रहेगा इस मंच से, क्योंकि विधानसभा पिछली बार 2018 में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी, और इस संभाग में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी 2018 में, क्या देख रहेंगे आप उस आने के बाद, क्या परिवर्तन हो सकता है इस पूरे संभाग, क्योंकि 6 मंत्रियों का गढ़ ऐसा भी, दुर्ग के गढ़ को भी हमने भेदा है। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था लोकसभा विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार परम चक्र फेराया, ताराचंद साहू जी से लेकर के सरोज पांडे जी तक यहाँ दुर्ग से लोकसभा सांसद, अभी जाकर के फिर लोकसभा में हमारा है। हमने 15 साल भी लगातार इसी क्षेत्र से बढ़त लेकर के इस प्रदेश में राज किए हैं। अभी 4.5 साल हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने जल्दी एकदम वो मत हो। ये जनता उतारना भी जानती है और चढ़ाना भी जानती है। जी आदित्य, लोकसभा चुनाव में जनता ने, विधानसभा चुनाव के अंदर लोक लुभावने नारे में आ गए थे, लोकसभा में हो गया काम, वापस 11 में 10 सीट जीत कर के आई बीजेपी, कोई तो चलिए राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। यहाँ पर बहुत साफ तौर पर कहना है कि अभेद गढ़ है दुर्ग, और निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ तौर पर राजेश मूढ़त जी कहना। कल इंतजार रहेगा, दुर्ग संभाग की पूरी भीड़ यहाँ पर रहेगी, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे, और अमित शाह इसी मंच से आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखिएगा, बड़ा कार्यक्रम है, आगे भी अपडेट लेंगे। आदित्य जी आपसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए।